ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए। शिवरात्रि पर हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें जिससे भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और मनोवांछित जो हमारी इच्छा है, हमारी मनोकामना है, वह पूर्ण हो जाए। आज मैं जो आपको विधि बताऊंगा, ये विधि आपने आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी शास्त्र में नहीं देखी होगी। जो शास्त्रों में विधान, जो वीडियो में अन्य जो भक्तजन हैं बताते हैं, विधान बताते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं आपको बताता हूँ कि जो विधान ज़्यादातर शास्त्रों में या अन्य वीडियो में बताया जाता है कि शिवरात्रि पूजन का जो समय है वो ये है, दोपहर में इस टाइम पूजन होगा, जल का ये टाइम है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस टाइम को पकड़ पाते हैं? कभी मंदिर के जो सदस्य, मंदिर के जो पुजारी हैं, चलो उनका मैं मान लेता हूँ कि हम टाइम के टाइम टेबल के हिसाब से पूजन कर लेते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में लाइन यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक लगी हुई है, ये यहाँ से 100 मीटर तक लाइन लगी हुई है, आप उस टाइम को पकड़ लेंगे क्या, ये बताइए। जल का ये टाइम है 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या आप उसको फॉलो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। बहुत गिने चुने व्यक्ति हैं जो उस टाइम को फॉलो कर पाएंगे। तो क्या जिन्होंने उस टाइम को नहीं पकड़ा, क्या उनकी पूजा स्वीकार नहीं होगी? क्या उनको उस पूजा का उतना महत्व, उतना फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। ये एक शास्त्रों का नियम है, सृष्टि का जो संचालन है, जो ग्रह नक्षत्र चाल है, उसकी गणना के हिसाब से एक टाइम टेबल रखा गया कि इस जल का ये टाइम होता है। चाहे वो महाशिवरात्रि हो, चाहे श्रावण मास की शिवरात्रि हो, मैं दोनों का विधान अलग अलग बताऊंगा, आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आप इससे लाभवंत भी होंगे। आपका जो टाइम दिया गया है निश्चित कि भाई शिवरात्रि पर कावड़ का जल इस टाइम है, गृहस्थ में अवस्थी जो कावड़ लेने नहीं गए हैं, या हमारी माता बहने जो श्रावण का मास व्रत रख रही है, या महाशिवरात्रि जो व्रत होता है भगवान शंकर की महाशिवरात्रि का, वो व्रत रखा हुआ है और आपको टाइम दे दिया गया कि भाई ये टाइम है जल का, आप क्या आप उस टाइम पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो उसका सलूशन ये है कि मंदिरों में लाइन बहुत लंबी होती है, आप कहीं किसी भी तीर्थ स्थान पर जल चढ़ाने जाओगे तो लाइन लंबी होगी, आप टाइम टेबल नहीं पकड़ पाओगे। तो टाइम टेबल को छोड़ दीजिए, जिस दिन तिथि में, जिस दिन और जौन सी तिथि में व्रत पड़ रहा है, उसकी पहली रात्रि 12 बजे, जैसे कि आज व्रत है तो हमें जो रात्रि जा चुकी उसके रात्रि के 12 बजे से लेके शिवरात्रि, दोनों शिवरात्रि का व्रत रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, जो रात्रि जा चुके पीछे उस रात्रि के रात के 12 बजे से लेकर और आज पूरा दिन और पूरी रात्रि, अगले दिन सुबह जाकर ब्रह्म मुहूर्त में व्रत खुलता है, ये गांठ बांध लेना अच्छी प्रकार से। चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, चाहे श्रावण मास शिवरात्रि का व्रत हो, ये विधान है, जो तरीका है। अब मैं बताऊं कि पूजन करने का तरीका, आपने हमारी माता बहने जो मंदिर में आती हैं, घंटों घंटों लाइन में लगी रहती हैं, आपको जिस समय आपको सुलभ लगे कि हम आराम से बैठकर भगवान की पूजा कर सकें, उस समय आइए। ये मत करिए कि आप जल्दबाजी में दोपहर के समय आ रहे हैं, दोपहर के समय मंदिर में भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें व्यवस्था करने में दिक्कत है, आपको पूजन करने में समस्या आ रही है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट यहाँ दे रहे हैं, जल चढ़ा रहे चलते कर रहे हैं, जल चढ़ाए चलते जा रहे हैं, तो उसका पूजन का आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसा समय देखिए जिस समय मंदिर में भीड़ कम हो, आप उस समय जाइए। पूरा दिन पूरी रात्रि भगवान शिव के पूजन की है, आप समय को भूल जाइए कि भाई समय क्या है, समय की गणना मत कीजिए कि जल किस टाइम है। यदि आप उसकी गणना कर पाओगे, करते रहोगे, तो आप समय नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि हम खुद नहीं कर पाते,
हम पब्लिक को कंट्रोल करते रहते हैं, तो यदि हम बीच में जल चलाने बैठ जाएं, समय के निकाल के हम जल चलाने बैठ जाएंगे, तो इस पब्लिक का क्या होगा? ये भी तो बेचारे भक्त हैं, इनको कौन, ये बेचारे खड़े हुए हैं, इनकी क्या कसूर है कि हम मंदिर पुजारी तो हम पूजा कर लें और उनको बाहर लाइन में लगे रहने दें? हम ऐसा नहीं करते। हम जब पब्लिक आते हैं तो पब्लिक को महत्व देते हैं, भाई आप जल चढ़ाइए। हम रोज पूजा करते हैं भगवान शिव की, रोज सुबह शाम भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। आप विशेष त्यौहार पा रहे हैं तो हम आपका आदर सत्कार करते हैं, हम आपको महत्व देते हैं कि भाई आप चढ़ाइए। हम तो रोज पूजा कर ही रहे भगवान शिव की, और जब आप निवृत्त हो जाते हैं तब हम पूजा करते हैं। सुबह भी करते हैं, सुबह उनके आने से पहले कर ले, शाम को जब छीद हो जाती है तब जो हमारा संध्या का टाइम है वो हम फिक्स करते हैं। जल के टाइम पर अगर ज़्यादा होता है, कोई विशेष प्रोग्राम रखा हुआ है, तो जल के टाइम पर सिर्फ 2-4 मिनट लेकर जल चढ़ा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप ग्रस्त में व्यक्ति हैं तो आपको जिस समय उचित लगे, जब आपको टाइम लगे तब मंदिर में जाइए, ताकि आप आराम से पूजन कर सकें। पूजन कीजिए और साथ में मंदिर के प्रांगण में कहीं पर भी जहाँ पर भीड़ की दिक्कत ना हो, ऐसी जगह बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि तीर्थ स्थान पे जाप किया हुआ अनंत गुणा हो जाता है। किसी भी तीर्थ स्थान में, किसी भी शिव मंदिर में जब आप जाप करोगे तो वह कई गुणा बढ़ जाता है। ऐसे ही यदि आप घर में करोगे तो उसका महत्व कम होता है पूजा का, मंदिर में करने से का उसका महत्व कई गुणा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर बिखरी हुई होती है। तो श्रावणवास की शिवरात्रि में तो आप इस प्रकार पूजन कर सकते हैं। पूजन पहली रात्रि 12 बजे से लेकर पूरा दिन, पूरी रात्रि और अगले दिन सुबह जाकर व्रत खुलेगा, इस बीच में जब आपको उचित लगे। और एक बात और कि ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें एक बार ही मंदिर में आ सकती हैं, तो बार बार तो आती नहीं। मैंने देखा अक्सर महाशिवरात्रि में 4 पैर की पूजा होती है, परंतु मैं आपको बता दूं कि मुझे तो कोई लगा नहीं कि ऐसे 1-2 फैमिली को छोड़कर जो 4 पहर में पूजन करने आती हूँ। तो ज़्यादातर माताएं बहनें एक टाइम ही पूजन करने आती हैं, तो वो इसलिए ऐसा समय निकाले जिस समय वो एक टाइम में अच्छी प्रकार से पूजा कर सके। और शिवरात्रि जो पूजन होता है महाशिवरात्रि का, वह 4 पैर का पूजन होता है। उसमें पहला पैर रात्रि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 और 3 से 6। इसमें घंटा आध घंटा ऊपर नीचे हर साल गणना के अनुसार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टाइमिंग ये 4 पैरों में पूजा होती है। इन 4 पैरों की पूजा हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, प्रति साल पूरी रात जागर कर बैठ कर हम ये पूजन करते हैं, ये आपको हम बता दे रहे। परंतु जो ग्रस्त वे व्यस्त हैं वो नहीं मंदिर में बैठ सकते, तो उनके लिए है कि वो अपने घर से महाशिवरात्रि के पूजन करने के लिए इन 4 पहर में थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, फूल बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और जाकर फिर अपने घर पे बैठ सकते हैं। और यदि मंदिर में बैठने की व्यवस्था है तो मंदिर में बैठ सकते हैं। और यदि आप 4 पहर नहीं आ सकते तो शाम के समय पूजन करने आए, और सुबह जब व्रत खोलना है तो सुबह के समय अवश्य आए, सुबह के समय पूजन करने आए, और पूजन करने के बाद में अपना व्रत का पारण कर लें, व्रत अपना खोल लें। तो या आप नहीं मंदिर में सुबह आ सकते तो अपने घर पे पूजन करके तब व्रत खोलें। व्रत हमेशा सुबह को पूजन करने के बाद ही खुलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। व्रत जब खोला जाता है, किसी भी तरह का व्रत हो तो वह पूजन करने के बाद ही खुलता है। ऐसा नहीं कि आपने शाम को व्रत रखा और रात्रि में आपने कुछ खाया नहीं, सुबह उठे नहाए मुँह धोए और सीधा नाश्ता कर लिया, ऐसा नहीं होगा। सुबह पूजन करने के बाद ही वह व्रत पूरा होता है, कभी भी पूर्व व्रत पूर्ण करना हो तो पूजन करने के बाद ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप समय की गणना मत कीजिए, आपका जो पूजन शिवरात्रि का जो पूजन है और जो उसके तरीके होते हैं, जो कुछ है वो मैंने आपको बता दिया। रही बात सामग्री की, तो सामग्री के लिए मैंने श्रावण मास की एक वीडियो बनाई कि सावन में व्रत कैसे रखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बड़े आपने प्यार दिखाया, बड़े उस पर लाइक आ रहे हैं और बड़े कमेंट्स और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स साथ में व्यू बहुत व्यू आ रहे हैं। तो आप सावन मास में कैसे पूजन करें इस विषय में एक वीडियो बना रखी है, उस पर उसको आप जाकर देखिए, उसमें पूरी विधि बताई गई है कि किस तरह भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको जाकर देखिए, इस तरीके से पूजा कीजिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।